आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आपको बताया गया माइनक्राफ्ट 1.18 का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। भाई कब तक बोलेगा इसे, सबसे बार 6 वीडियो हो चुकी है तेरी, हर बार बोलता है ऑफिशियल अपडेट आ गया, सब ने डाउनलोड करके खेल भी लिया, अब तक तू बोलता ही रहता है चेंज कर इंट्रो को। रुको मैं करता हूं। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज मैं आपको माइनक्राफ्ट का सबसे स्मॉलेस्ट आयरन फार्म बनाना सिखाऊंगा, जिसकी भाई प्रोड्यूसिंग भाई लाजवाब है, उसे बनाना भी बहुत आसान है एंड ये बहुत कम जगह में भी बन जाता है। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो उसे बनाने से पहले अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक थोड़ी सी प्लेन सर्विस चाहिए एंड उसमें आपको 1, 2, 3, 4 और ये 3 हो चुके हैं, ये 4 एंड 5 ऐसे आपको करना है। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक ये है हमारा एंड ये 2, 3, 4 एंड ये 5 आपको ऐसे कर लेने हैं। एंड फिर आपको घूमना है तो ये एक हमारा ये है, आपको 2, 3, 4 एंड ये 5 करना है। फिर हमारे एक इधर है, एक उस तरफ है, तो आपको 3, 4 एंड ये 5 करना है। ये हमारा 5x5 का बन चुका है। तो अब आपको करना है सिंपली इसको पूरा डिग डाउन करना है 7 ब्लॉक। तो एक ब्लॉक तो हमारा ये हो चुका है डिग डाउन, देखो आप देख रहे हैं, आपको 6 ब्लॉक और डिग डाउन जाना है, मतलब एक ही हमारा चुका है एंड 6 और जाएंगे तो हमारे टोटल 7 लेयर हो जाएंगे। तो हम पहले 6 लेयर नीचे जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं इस वाले कॉर्नर से जाता हूँ, तो सर इसमें तो ये हमारी एक हो चुकी है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7 हो चुके हमारे। तो अब मेरे को सिंपली इसे ही पूरे में कर देना है। तो मैं पहले इसे डिग डाउन पूरा कर लेता हूँ। तो मैंने इसे डिग डाउन कर लिया एंड ये फिर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब आपको करना है इसमें से एक एक ब्लॉक हटा देना है जो चारों साइड से आपको दीवार से, तो चारों साइड से हटाने के बाद ये आपको कुछ ऐसे लगे, फिर आपको बेड लेने हैं, 1, 2 ब्लॉक छोड़ के एक बेड डालना है एंड आपको उस तरफ जाके ऐसे 1 ब्लॉक छोड़ कर डाल देना है। तो ये हमारे 2 बेड हो सकते हो गए, तो आपको सेम ऐसे ही चार मतलब 3 और साइड पे करना है, मतलब 4 साइड पे सेम ऐसे ही करना है, तो हमारे 8 बेड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से 2 ब्लॉक छोड़ कर 3 ब्लॉक से बेड डालना है एंड वहाँ पे 1 ब्लॉक छोड़ के 2nd ब्लॉक से बेड डालना है। तो ऐसे हमारे 8 बेड तो हमने डाल दिए एंड 9, 10, 11, 12 एंड ये 13 बेड हो चुके हैं। एंड आपको सेम उस तरफ भी करना है, 13 हो चुके हैं एंड ये हो चुके हमारे, इस तरफ जाता हूँ ये हो गए 14, 15, 16, 17, 18 ये हो चुके हमारे 18 एंड 2 आपको बीच में डाल देना है 18, 19 एंड ये देन ये हो चुके हमारे 20। अब आपको क्या करना है, बीच में आपको ले लेना है कोई भी ब्लॉक एंड यहाँ पे आपको लगाना है, एक और लगाना है ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, एंड आपको इसे पूरा कवर कर देना है। तो मैं कर देता हूँ पहले। कवर करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक एक नीचे होल डेक कर लेना है। तो आप इसके लिए फ्लैचिंग टेबल या फिर लेक्टन किसी को भी ले सकते हैं, तो मैंने ली है, मैंने फ्लैचिंग टेबल, आप लेक्टन को भी ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लेयर हटा देने, मतलब 5 ब्लॉक हटाने हैं, 20 यहाँ पे पूरे फ्लैचिंग टेबल लगाने हैं, तो आपको कुछ ऐसे ब्लॉक हटा देने हैं, तो आपको भी कुछ ऐसे हटा देने हैं, फिर देन आपको यहाँ पे 5 लेक्टन लगा देना है। तो मैं और बाकी के लगा लेता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे टोटल लगा लिए एंड ये हमारा कुछ ऐसा हो रहा है। फिर आपको इसमें 20 ब्लेजर डाल देने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 20 ये फ्लैचिंग टेबल लगाई है एंड अब मेरे को यहाँ पे 20 ब्लेजर डालने हैं। तो आपको ओनली वर्कर ब्लेजर डालने हैं, आपको नेटवेट या फिर बेबी ब्लेजर नहीं डालने। और अगर आप नहीं जानते हैं कि नेटवेट ब्लेजर कौन होता है तो आपने मेरे फैक्ट नहीं देखे। तो नेटवेट ब्लेजर होता है ये वाला, ये ग्रीन वाला, इसी का नाम होता है नेटवेट ब्लेजर। तो इसको नहीं डालना है, आपको बेबी ब्लेजर को भी नहीं डालना, ओनली वर्कर ब्लेजर को इसमें डालना है। मैंने सारे ब्लेजर डाल दिए एंड आपको करना है एक ब्लॉक लगा कर उस पर लाइटन या फिर टॉर्च लगा देनी है एंड देन आपको फिर ऐसे कवर कर देना है। तो जैसे कि मैंने इसे कवर कर दिया एंड जैसे कि हमने लास्ट वाली लेयर पे करा था, एक ब्लॉक हमने इस हटा दिए थे एक साइड से, तो हमें इधर से भी हटाना है, चारों साइड से हमें एक एक ब्लॉक हटा देना है। तो ऐसे ही सेम मैं हटा देता हूँ पहले।
मैंने चारों साइड से एक एक लेयर हटा दिया है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गोलम स्पॉन हो भी चुके हैं इतनी जल्दी। तो अब आपको करना है यहाँ पे, तो आपको सेम दूसरी साइड भी एक स्टोन लगा देना है एंड देन स्टोन डालने के बाद उस पर आपको मैं वाटर डालकर दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको बीच में एक सेंटर ब्लॉक बचेगा, वहाँ पे हम अपना लावा डाल के एक कलेक्टिंग एरिया बनाएंगे, मतलब यहाँ एक प्लिंग चैम्बर बनाएंगे, उधर से हमें अपना कलेक्टिंग एरिया ही बनेगा। तो अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए बस इसे ऑनली लगाया था। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ अब मैं एयरपोर्ट क्या करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेंटर ब्लॉक है ना, इस पर हमें यहाँ पे बिल्कुल आपको इतना चीज़ चाहिए, एक लावा बकेट, हॉपर, चेस्ट, फैंस गेट एंड आपको ऑक्सीजन चाहिए 3 या फिर 4। तो आपको यहाँ पे आपको एक ब्लॉक हटाना है, यहाँ पे हॉपर लगा देना है एंड आपको आगे की तरफ जाना है, यहाँ पे 3 ब्लॉक लगा तोड़ देने हैं, यहाँ से हटा देने हैं जैसे मैं हटा रहा हूँ। एंड इधर पर हटाने के बाद आपको यहाँ पे बीच में इन ब्लॉक को स्ट्रेट टाइप का बना देना है जैसे मैं बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आपको हॉपर लगा देना है। एंड हॉपर लगाने के बाद वो सॉरी हॉपर नहीं चेस्ट लगानी है। चेस्ट को लगाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कुछ कर लूँगा एंड यहाँ पे मैंने 2 चेस्ट लगा दी है। तो यहाँ पे एक मैं ब्लॉक लगाया था सॉइल ब्लॉक, आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको नीचे एक स्लैब लगा देना है ताकि हमारे कोई किटी मतलब कैट वगैरह यहाँ पे आए ना। एंड यहाँ पे आपको सॉरी गलती से मैंने स्लैब तोड़ दिया। एंड यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे फैंस गेट लगा देना है हॉपर के जस्ट ऊपर जैसे मैं लगा रहा हूँ। एंड इसे आपको ओपन कर देना है। एंड ओपन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ साइड में एक ऑक्सीजन लगाना है एंड जो राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड आपको लगाना है। एंड एक जो राइट साइड वाला सॉरी गलती से लग गई है, जो हमारा राइट साइड वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर आपको एक और ऑक्सीजन लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। एंड एक और ऑक्सीजन लग मेरे से गलती से लग गया। एक और ऑक्सीजन लगाने के बाद आप इस वाले ऑक्सीजन को साइड से एक और ऑक्सीजन लगाना है, वैसे आपको 4 ऑक्सीजन लगेंगे। ये मैंने लगा देता हूँ, ये लग गया। एंड अब आपको इसमें ऊपर एक लावा बकेट डाल देनी है जैसे मैं डाल रहा हूँ। तो ये गलती से मैंने वाटर बकेट डाल दी, तो मैं इसमें लावा बकेट डाल दिया मैंने। हाँ तो अभी हमारे लावा बकेट बन चुके हैं। अब आप कुछ नहीं करना, फैंस गेट को ओपन कर देना है एंड यहाँ पे हमें जो वाटर है उसे डाल देना है। एंड हमारा आयरन फार्म तैयार है, तो मैं आपको वो भी डालकर दिखा देता हूँ। ये मैंने छोड़ देता हूँ ऊपर के ब्लॉक। अब मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है वाटर दोनों साइड एंड आप देख सकते हैं हमारा आयरन फार्म वर्किंग हो चुका है। एंड यहाँ पे हमारे दोनों गोलम किल हो रहे हैं एंड ये किल हो जाने के बाद हमारे जो आयरन गोलम है दोबारा से स्पॉन होने लगेंगे दूसरे। तो आप देख रहे हैं ये वाला गोलम किल हो चुका है एंड 2 गोलम किल हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक और गोलम आगे किल होने लगा है। तो देख रहे हैं कि आपकी क्या ही खतरनाक इसकी प्रोड्यूसिंग है इस काम की, तो इससे आपको कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी प्रोड्यूसिंग बहुत ही अच्छी है और देख सकते हैं अब आपको कुछ देर वेट करने के बाद जस्ट एक और गोलम आ जाएगा। तो आप देखते हैं देख सकते हैं एक और गोलम आ चुका है, जो हमारे यही हो गया था। एंड देख सकते हैं कितनी ही खतरनाक प्रोड्यूसिंग है इसकी। अब आप सोच रहे होंगे आप गोलम क्यों नहीं आ रहा, आप गोलम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले 1.17 में 2 गोलम के बाद विलेजर हमारे 1 मिनट का ब्रेक लेते थे, लेकिन आप 4 गोलम के बाद लेते हैं। तो 4 गोलम स्पॉन हो चुके हैं एंड जो हमारे 1 मिनट नहीं सॉरी मैंने 1 मिनट गलती से बोल दिया, 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं तो 30 सेकंड के बाद गोलम यहाँ पे स्पॉन हो जाएगा। तो मैं आपको भी दिखे जाएगा आपको वीडियो में स्पॉन होते हुए एक और गोलम। तो यही था। और अगर अभी तक आपने मेरी माइंड का सर्वाइवल सीरीज की वीडियो नहीं देखी ना, तो सर्वाइवल सीरीज की वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दे दिया एंड मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आके देख सकते हैं। और भाई कमेंट करके बताना सर्वाइवल सीरीज कैसी लगी। तो और आयरन फार्म का भी बताना कि आयरन फार्म कैसा लगा, हम इसे भी अपने सर्वाइवल में बनाएंगे। तो उसके लिए आपको सर्वाइवल सीरीज को फॉलो करना होगा, तो जल्दी से सर्वाइवल सीरीज देख लो जाके। तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। For watching.